Hello, my dear students. Welcome to your biology class. तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के टू पार्ट्स थे वहाँ पर. एक था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था एसोसिएटेड ग्लैंड. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पार्ट्स वहाँ पर आए जैसे कि मॉथ, ठीक है, बकल कैविटी, स्टमक लाइक दिस, उसमें हमने जो पढ़ा था वो था मौत. मौत के बाद हमें नजर आया बकल कैविटी. बकल कैविटी का जब कंटेंट हम देखें कि क्या है, मौत तो जस्ट ओपनिंग है, तो लिप्स के बीच की जो ओपनिंग होती है जिसको हम मौत बोले थे, उसके अंदर जो स्पेस वहां दिखाई दिया था हमें जिसको हम बकल कैविटी बोले, ठीक है. अब बकल कैविटी का जब हम कंटेंट देखे, पहला जो था वो थे दांत, टीथ, हल्लू बड़ो. दांत के बाद मिला टंग, जुबान. देन वहां पर रूफ था, देखिए, पैलेट जिसको हम बोले, ठीक है. ये वहां पर हमें मौत के पार्ट, बकल कैविटी के पार्ट, जैसे कि जस्ट मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये चीजें हमें वहां नजर आए थे, जैसे कि पैलेट था, टीथ था और टंग था. हमारी पिछली क्लास का वीडियो स्लाइड. तो आज की स्लाइड में हम वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बकल कैविटी का एक पार्ट जिसका नाम है टीथ. तो टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं. टीथ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. टीथ ये लाइफ में दो बार आते हैं, ठीक है, हर किसी की लाइफ में दो बार आते हैं, तीसरी बार नहीं आते. तो जो सेकेंड बार जो आते हैं, सेकेंड टाइम इन बर्थ ऑफ लाइफ, स्वल्प केयर आगे इटको बेक्यू अल्ली अल्ली बिद्धि, ठीक है, इन दांतों को नहीं गिरा ले. अगर एक बार ये गिर गए या टूट गए या फिर खराब हो गए, जंक फूड खा के, चिप्स खा के, चॉकलेट्स खा के, आइसक्रीम्स खा के, ठीक है, हम दांतों को खराब नहीं कर लेना है. दांत अगर आप अपने दांतों को संभाल कर बचा कर रखते हैं तो टिल योर डेथ तक आपके दांत सही सलामत रह सकते हैं, ठीक है. मगर आप वहां उनके साथ अगर उनको केयर नहीं करे, प्रॉपर वॉश नहीं करे, प्रॉपर फूड नहीं खाए टीथ रिलेटेड, या फिर हम उनका प्रॉपर वॉशिंग जो होती है सुबह ब्रश, एक दिन में दो टाइम ब्रश करना है, ठीक है, कौन से फूड से टीथ खराब होते हैं वो वैसे फूड नहीं खाना है, चॉकलेट्स नहीं खाना है, या खाए भी तो हमको इमिडिएटली वॉश करना है. अगर इसका केयर नहीं रहा तो टीथ में खराबी आ सकती है और टीथ आप लॉस कर सकते हैं. अगर एक बार टीथ आपके निकल गए तो प्लीज इनकी ओरिजिनलिटी नहीं ला सकते. रेडी आजकल मार्केट में डेंटिशंस में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी उनमें आधुनिक सुविधाएं बन चुके हैं, टीथ तक नेचुरल टीथ जैसे भी आ रहे हैं, बट क्वाइट कॉस्टली होते हैं. क्यों क्यों उतना सब भाई जो है उसी को ही संभाल के रखेंगे ना. तो प्लीज अपने दांतों का ख्याल रखिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी देन है और दांत से ही हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है डाइजेशन का चलता है. अगर दांत नहीं रहेंगे तो पूछो आप किसी ओल्ड आदमी के जिसके मुंह में दांत नहीं है तो उसको खाने में कितनी तकलीफ हो रही है. खाना खाना बोले तो उसका टेस्ट और उसका प्रॉपर पेस्ट बनना आगे डाइजेशन के लिए ओनली बाय द टीथ. तो प्लीज बी केयर अबाउट योर टीथ. तो चलिए पढ़ते हैं टीथ के तरफ. टीथ क्या होते हैं? ए नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिशन. टीथ जो दांत होते हैं, टीथ टीथ होते हैं, वन ऑफ द माउथ पार्ट होता है विच हेल्पिंग इन द चिविंग एंड कटिंग, टीयरिंग ऑफ टीयरिंग, ये सब चीजों के लिए, फाड़ने के लिए, कट करने के लिए और चाबने के लिए टीथ का इस्तेमाल होता है. तो टीथ का नेचर, वो टीथ कैसा होता है, मोड ऑफ अरेंजमेंट, वो कैसा अरेंज किया गया है हमारी मुंह के अंदर एक प्रॉपर वे में, वो राउंड भी नहीं है, स्ट्रेट भी नहीं है, एक किस शेप में है उसको कहते हैं अरेंजमेंट. एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट एंड नेचर आर टुगेदर कॉल्ड डेंटिशन, उसी को बोलेंगे हम डेंटिशन. और जो इसके बारे में पढ़ता है, इसमें जो रिसर्च करता है, इसके इसका जो ट्रीटमेंट करता है, उसे हम डेंटिस्ट बुलाते हैं, जो आप भी बन पाते हैं आफ्टर यूर PUC 2.
चलिए, सो ह्यूमन डेंटिशन, इंसानों के दांत। देखिए कितनी अच्छी स्माइल है वहां पर, कितने अच्छे टीथ है, व्हाइट शाइनी। आप मेरी क्लास के बाद आप भी आईने के सामने जाओ और ऐसी ब्यूटीफुल स्माइल करके देखो क्या आपके टीथ कैसे, क्या आपके टीथों में पीलापन है, क्या आपके दांतों में सनसनापन है, क्या आपके दांत काले हो रहे हैं, चेक कर लीजिए। अगर हो रहे हैं तो प्लीज कितनी हो सके उतनी जल्दी से उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए, वरना बहुत बड़ा लॉस उठाने वाले हैं। तो जैसी वो स्माइल है, जैसे वो टीथ है, वैसे आपके भी टीथ होनी चाहिए। आई होप होंगे भी, लेकिन फिर भी एक बार हमें चेक कर लेना है। फाइन, सो ह्यूमन डेंटिशन, इंसानों के दांतों का नेचर और अरेंजमेंट को हम डेंटिशन कहते हैं। अब वो नेचर और अरेंजमेंट के ये तीन पार्ट्स, जैसे कि हेटीरोडंट, थीकोडंट एंड डाइफोडंट, ये वही तीन चीज है जो कि इंसानों के दांतों में पाए जाते हैं। इंसान के दांत हेटीरोडंट है, ठीक है, मनुष्य टीथ निधे वाला अव हेटीरोडंट अवा, थीकोडंट अवा मत्तो डाइफोडंट अवा, नोड़ा ना यू इधर अर्थ ऐनिदे, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड नाउ, ह्यूमन डेंटिशन द फर्स्ट दैट इज दी हेटीरोडंट। हेटीरोडंट अंदर ये सर एन अर्थ अंद्रे, हेटीरो का मतलब ही होता है डिफरेंट। हमारे मुंह में जितने भी दांत है, वहां जितने भी टीथ अवाय नवाला अदो कंसल कई अच नोड इग्नोर हचरे कई, यू मे फील डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ द टीथ। अल्ली एस्टु टीथ अवाला ओसु वन नमना इल्ला, अदरद आकार एनरे, अदरद फंक्शन, अदरद साइज शेप डिफरेंट इवे। अदक्के the human dentist, the human teeth is a heterodont. Heterodont ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲತೀವಿ ಅವರಿಗೆ heterodont ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವರಿ ಸರ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು. ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೀಸರ್, ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇವು ಟೀತ್ ಏನು ಕಾಣತ್ತಾವ, ಇನ್ಸೀಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸೀಸರ್ ಸೀದಾ ಕೆನಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸೀಸರ್, ಇನ್ಸೀಸರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ವಾಟ್ ಕಟಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಿನ್ರಿ ಅಂತ, ಆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತಿಂತೀರಿ, ಸೀದಾ ದಾಳ ಸೀದಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕೇನು ಟೀತ್ ಅವ ಮ್ಯಾಲ ನಾಲ್ಕು ತೆಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೀಸರ್, ಅದು ಶೇಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೈಡಿಗೆ ಏನು ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆನಾಯಿನ್ ಅಂತ, ಕೆನಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಫಾರ್ ಟಿಯರಿಂಗ್. ಈಗ ಏನೋಪ್ಪ ಒಂದು ಹರಿದದ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಪೇಪರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟಿಯರಿಂಗ್ ಫಣ್ಣ ಹೇ ತೋ ಉಸ್ಕಿಲಿ ಹಮ್ ಕೆನಾಯಿನ್ ಯೂಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೆನಾಯಿನ್ ಪ್ರೀ ಮೋಲಾರ್ ದೋ ಹೋತೆ, ಫಿರ್ ಮೋಲಾರ್ ತೀನ್ ಹೋತೆ, ಇನ್ಕೋ ಹಮ್ ಬೋಲೆಂಗೆ ಪ್ರೀ ಮೋಲಾರ್ ಇನ್ ಮೋಲಾರ್ ಫಾರ್ ಮೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಮೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೋತಾ ಚಬಾನ, ಮೆಲ್ಲುವುದು. ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ದಾಗ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಾಂ ಮುಂದಿನ ಏನು ಟೀತ್ ಟೀತವ ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದ ಟೀತ್ಗಳಿಂದ, ಅದು ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೀ ಮೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಟೀತ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಲ್ತೀವಿ, ಆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತೀವಿ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಪ್ರೀ ಮೋಲಾರ್, ಸಾರಿ ಪ್ರೀ ಮೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಿಕ್ ಟೀತ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ ಟೀತ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಾ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆಂಟಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಕೋಡೆಂಟ್. ಏನ್ರಿ ಥೀಕೋಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೀತ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಜಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಕೆಟ್. जॉज सॉकेट, मसूड़ों में हमारे दांत अच्छी तरह से प्लेस्ड है. जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो दिख रहे हैं ना, दांत ऊपर है और देखिए 50% दांत ऊपर है, 50% दांत अंदर है. ये जो पिंक कलर का आपको लेयर दिख रहा है, ये क्या है? यस, गम जिसे बोलेंगे हम, मसूड़े जिसे बोलेंगे, उसमें हमारे दांत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, वेल सेट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, थीको डंट. तो
इस डायग्राम में जैसे आपको दिखाया गया है, ये शुरू के जो चार होते हैं इंसीजर, फिर एक जो होता है केनाइन, फिर दो जो होते हैं प्रीमोलर, फिर जो तीन होते हैं वो होते हैं मोलर, राइट। वेल प्लेस्ड इन द सॉकेट्स ऑफ द जॉ, सॉकेट्स ऑफ द जॉ में वेल प्लेस्ड होते हैं, जिसको ठीक होते हैं। नाउ द नेक्स्ट डाइफोडेंट, व्हाट डू यू मीन डाइफोडेंट। हमारे लाइफ साइकिल में, हमारी लाइफ साइकिल में, ह्यूमन की लाइफ साइकिल में दो बार दांत आते हैं और जाते हैं। एक बार जब आते हैं और वो जाते हैं तो दूसरे आते हैं। अब ये दूसरे जाने के बाद फिर नहीं आएंगे, तो दो बार दांत आने की वजह से ह्यूमन डेंटिशन को कहते हैं डाइफोडेंट। डाइफो मीन्स टू, दो बार दांत आते हैं, एक बार आए फिर चले गए, फिर आए, बस ये परमानेंट है, ये नहीं जाते। अगर ये गए तो फिर वापस नहीं आते। सो डाइफोडेंट का यही अर्थ होता है। सो डाइफोडेंट मीन्स अपीयरिंग ट्वाइस इन लाइफ टाइम, आपकी लाइफ टाइम में, आपकी जिंदगी में दो बार दांत आते हैं, जिसे हम डाइफोडेंट कहते हैं। और दो बार आने के दो अलग नाम है, जो फर्स्ट टाइम आए उसको हम मिल्क टीथ बोले, फिर जो बाद में आए वो परमानेंट टीथ, परमानेंट है, ये नहीं जाएंगे अभी, आपके मुंह से ये नहीं जाएंगे, परमानेंट है। अगर किसी कारण ये जाते हैं वापस नहीं आते। सो मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ आर द टू टाइप ऑफ टीथ इन द ह्यूमन लाइफ टाइम, जिसको हम बोलेंगे डाइफोडेंट। देखिए, जो मिल्क टीथ होते हैं डेसिडुअल कहते हैं, डेसिडुअल का अर्थ होता है झंडा। अब झंडे को कन्नड़ में क्या बोलेंगे, जैसे कि पत्ते झड़ते ना पेड़ पे से, प्लांट से जो पत्ते गिर जाते हैं, झंडा उसको जो भी है, मुझे प्रेजेंटली याद नहीं आ रहा वो वर्ड, झंडा, जैसे कि प्लांट से पत्ते जो लीफ जो गिर जाते हैं उसको कहते हैं डेसिडियस। तो वो मिल्क जो टीथ होते हैं उनमें मिल्क टीथ झड़ने वाले होते हैं, यानी कि डेफिनेटली वो जाने वाले ही होते हैं, ठीक है। 20 नंबर में होते हैं वो, 20 होते हैं, डेवलप एट 6 to 7 मंथ, पैदा हुए से 6 से 7 महीने के बीच में वो आते हैं, और उनका लाइफ टाइम, उनका टाइम कब तक होता है, 6 से 7 साल की उम्र तक वो होते हैं, 6 से 7 साल की उम्र में वो चले जाते हैं। 7 साल के बाद जो दांत आते हैं उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं, और वो 32 इन नंबर में होते हैं, ठीक है। देन नीचे लिखा गया है कि द लास्ट 4 molar appear only at the age of 18, so they are called wisdom। पीछे के premolar 3 हैं और molar 2 है, तो molar का एक और premolar के, sorry, premolar का एक और molar के 3, यानी कि 4, वो 4 teeth जो है हमारे 18 वर्ष में आते हैं, 18 साल के जब हम हो जाते हैं, तो उन teeth को कहा जाता है wisdom teeth। wisdom का मतलब होता है knowledge, इंटेलिजेंट, होशियार, तो उसको अक्ल का दाड़ भी कहते हैं, यानी कि तभी हमें अक्ल आई 18 वर्ष पे, हमको इंटेलिजेंसी, अक्ल, डिसिप्लिन हमारी जीवन में आता है, जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं। हार्ड चेविंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड बाई एनामल, जो हम दांत को जो चाब रहे हैं, वो जो चाबने को हम मेस्टिगेशन कहते हैं, चिविंग उसका सरफेस है, हमारे दांत पे एक सरफेस है, वो बहुत हार्ड होता है, एनामेल नाम के सब्सटेंस से वो बना हुआ, जिसको हम कैप्स बोले थे पिछली क्लास में, वो एनामेल नाम के सब्सटेंस से वो कैप्स बने हुए होते हैं, जो कि हार्ड होते हैं चाबने के लिए, ओके। तो बच्चों आई थिंक यू पीपल आर अंडरस्टूड, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा इतना कंटिन्यू करेंगे बस। और ह्यूमन डेंटिशन एक डेंटल फार्मूला है जो कि एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है 2 मार्क्स के लिए। ह्यूमन डेंटल फार्मूला ऑफ ए परमानेंट टीथ एंड मिल्क टीथ। परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला I 2/2, C 1/1, PM यानी कि प्रीमोलर 2/2, M यानी कि मोलर 3/3, into 2 = 32, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा आई क्या है, आई इनसीजर है, यानी कि जब ऊपर की आपके माउथ के ऊपर की जो टीथ है, फर्स्ट मुंह खोले के साथ ही 4 है, इधर दो, ठीक है, इधर दो 4, इंसीजर 4, केनाइन इधर एक, प्रीमोला इधर दो, ऊपर की ओर बोल रहा हूं मैं,
मोलार इधर तीन, इधर देखिए दो दो चार पांच छ सात आठ नौ दस, दस और तीन तीन छ, दस और छ इज इक्वल टू सोलह, ऊपर के सोलह और नीचे के सोलह, हमारे दो दो पार्ट है ना मौत के, अपर अपर के सोलह और नीचे के सोलह, इट मीन्स इन टू टू इज इक्वल टू थर्टी टू, थर्टी टू टीथ होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। ये हमारा डेंटल फार्मूला है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आपको बस ये लिखकर ये लाइन एज इट इज लिखना है डेंटल फार्मूले की। फिर जो हम बचपन में थे उसका क्या फार्मूला था, उसके इंसीजर दो थे, केनाइन एक था, सेम एज इट इज, प्री मोलार नहीं थे जीरो, मोलार यहाँ के तीन है लेकिन उस समय दो थे, तो देखिए दो दो चार पांच छ, छ और चार कितने हो गए दस, ऊपर की दस नीचे के दस, तो इंटू इंटू टू मीन्स ऊपर के दस नीचे के दस इज इक्वल टू ट्वेंटी, तो मिल्क टीथ ट्वेंटी थे, ट्वेंटी रहते हैं और परमानेंट टीथ थर्टी टू होते हैं। ये डेंटल फार्मूला एग्जाम में आपको पूछेगा फॉर वन आर टू मार्क्स, इंपॉर्टेंट है याद रखिए और लिखिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, सो इट इज इंटरेस्टिंग क्लासेस, लग रहा है ना इंटरेस्ट, ठीक है ओके फाइन, तो अगली क्लास विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टाइम। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, फिर पर्सनल पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, बी केयरफुल एंड बी केयर ऑन योर टीथ, थैंक यू।